हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आज हमें करिबा क्लास सिक्स समेटिव एसेसमेंट पाई गोटे सब्जेक्ट जोटा है जनरल साइंस, जोटा तुम्हारा आसवा पाई जाऊँगी। आम प्राक्ट पेपर टा आज प्राक्ट करवा, ठीक अच्छे। फुल मार्क्स 50 मार्क्स आसव, तो किसी क्वेश्चन आसव ये भाया, तो आम यू प्राक्ट करवा आउ प्रिपेरेसन करवा सबमिटिव एसेसमेंट पर। प्रथम क्वेश्चन नंबर वन देखिए पिली, क्वेश्चन नंबर वन कौन दे देख। प्रत्येक प्रश्नर उत्तर गोटे लेखाएं शब्द से लेख बोली क शब्द कौची। क्यों माने उभय उद्भिद और प्राणी मानंकु खांती से मानंकु कौन कहा जाए, तो जो माने उभय प्राणी और उद्भिद मानंकु खांती ताकु कौन कहा जाए पिले, ताकु कहा जाए सर्वाहारी। ताकु कौन कहा जाए सर्वाहारी कहा जाए। क्यों विटामिन अभाव रे स्कर्वी रोग हुए, विटामिन सी अभाव रे स्कर्वी रोग होइथाय। तापरे देखिबा फिल्टर पेपर क्यों प्रणाली रे आवश्यक, परिश्रवण प्रणाली रे फिल्टर पेपर आवश्यक। ओडिशार केउ जिल्ला रे नलिता चाष करा जाए बिले अधिक चाष हुए, तो केन्द्रापड़ा रे। लुण गुंड करिबा केउ प्रकार परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन काही ना तार स्वाद रे बा सेतर गुड कोनो सी नुआ पदार्थ परिवर्तन हुए नाही। तापरे क्वेश्चन नंबर टू, प्रथम दुईटी शब्दर संपर्क को देखि तृतीय शब्द सह संपर्कित शब्दटी लेख। भाग जदि भक्षक हैला तो कवक कौन हिजबो अपघटक। माछ जलज ताहले ओट स्थलचर। काच स्वच्छ तैलाक्त कागज अर्ध स्वच्छ। रेशम पोक रेशम मेंढालोम रु पोषम तैयारी हुए। चलैबा चालुनी रे पाछुड़ीबा कुलारे करिथाओ। तापरे तीन नंबर, शून्य स्थान पूरण कर। कपा चाष पाई डैश मृत्तिका आवश्यक, कृष्ण कार्पास मृत्तिका आवश्यक। तापरे सूर्य किरण रे डैश थाए विटामिन डी थाए। डैश जातीय खाद्य चर्म को चिकण करे, स्नेहसार जातीय खाद्य चर्म को चिकण करे। प्याज गछर डैश अंश जहाद्वारा खाद्य रूप से व्यवहार कराए तो है कांड। संक्षिप्त उत्तर दि, शाकाहारी कौन दुईटी उदाहरण दि। जो माने केवल उद्भिद बा उद्भिदजात पदार्थ खाती से शाकाहारी कहा जाए, उदाहरण हो गला गाई हरिण। तुम अन्य कौन सी उदाहरण देखिपार। स्वच्छ वस्तु कौन दुईटी उदाहरण दि, तो जो वस्तु आलोक गति करिथाय ताकु स्वच्छ वस्तु कहा जाए, उदाहरण हो गला काच वायु। आम लिखिपर दुईटी कही, तो दुईटी लिखिदेव काच आ वायु, ठीक अच्छे। तापर देखा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी किपर वंशवृद्धि करिथाय। केतेक प्राणी जथा कुकुड़ा अंडा दिए, से ही अंडा फुटिबा परे कुकुड़ा छुआ बाहरे। बिलेई कुकुर आदि प्राणी छुआ जन्म करती, यहीपर समस्त जीवन वंशवृद्धि होता है। केतेक अंडा दे छुआ दि अंडार छुआ बाहर, तो केतेक छुआ जन्म करिकिरी वंशवृद्धि करिथांती। तापरे देखिबा नेक्स्ट, उद्भिदर मूल और कांड किपर चलन करिथांती। जानी छ उद्भिदर मूल माध्याकर्षण दिगर माटी आड़कु ओ कांड आलोक दिगरे वायुमंडल को चलन करिथाय, ठीक अछि। तापरे जो अस्थायी परिवर्तन कौन दुईट उदाहरण दि, तो अस्थायी परिवर्तन कौन पिले, जो परिवर्तन रे कौन नूतन पदार्थ सृष्टि हुए ना ताक अस्थायी परिवर्तन कहा जाए। जपर हो गला बेलून फुलेबा, बरफ तरली जल में परिणत तो होगा, कौन नूतन पदार्थ सृष्टि सृष्टि हुए ना से आम कह अस्थायी परिवर्तन। तापरे क्वेश्चन नंबर सिक्स, सुषम खाद्य कौन, सुषम खाद्य तालिका प्रस्तुत कला बेले क्यों विषय प्रति ध्यान दि जाए, किंबा आश्रवण और परिश्रवण मध्य दुईट सामंजस्य और दुईट पार्थक्य लेख। तुमको जोटा इच्छा तुम लिखिपार, मुझे तुम्हें गोटे लिखिदे। देख जमी सुषम खाद्य कौन, शरीर आवश्यकता को पूरण करुवा उपयुक्त परिमाण खाद्य पदार्थ गुड़ी को सुषम खाद्य कहा जाए। हेले सुषम खाद्य तालिका प्रस्तुत कि पॉइंट उपरको ध्यान देवार अच्छी। सुषम खाद्य तालिका प्रस्तुति कला बेले व्यक्तिर बयस लिंग तथा से करुवा कार्य उपर निर्भर करिथाय, ठीक अच्छे। तापर देखिबा नेक्स्ट, खाद्यर दुईट उपकारिता लेख। खाद्य शरीर वृद्धि रे सहाय्य करे, आउ दुई नंबर खाद्य काम करने शक्ति जोगाए, ठीक अच्छे। तापर ग, अपपुष्टि जनित रोग कौन, शरीर को उपयुक्त परिमाण पोषाक पदार्थ न मिलिले तार अभाव जो रोग हुए ताको अपपुष्टि रोग कहिबा, जेपर अंधारकणा बेरीबेरी इत्यादि। तापर कपा और नलिता मध्य दुईट सामंजस्य, कपा और नलिता द्वय उद्भिदजात तंतु, कपा और नलिता द्वय एक प्रकार तंतु बाहर जपरिक सूता और झोट, ठीक अच्छे। तापर देखा नेक्स्ट क्वेश्चन, अवक्षेपण काहाकु कहा जाए, कठिन और ओजनिया पदार्थ जल रे तले बसी जीवा प्रणाली को अवक्षेपण कहा जाए। कौन सी ग्लास हो गला, ये जब आम मईला पा रखा
ସେଥିରେ କାଠି କୁଟା ଅଛି ବା ଗୋଡ଼ି ଅଛି, ତ ଗୋଡ଼ି କ'ଣ ହୁଏ, ତଳେ ବସିଯିବ, ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଭାସିବ, ଯେଉଁ ତଳେ ବସିଗଲା ପଦାର୍ଥ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କହିବା ଆମେ ଅବକ୍ଷେପଣ କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରାଯାଏ, ବେଙ୍ଗଳ ଯେପରି ମୁଗ ବିରି ଆଦି ଶସ୍ୟକୁ ବେଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ଅମଳ କରାଯାଏ, ଧାନ ନଡ଼ାରେ ରହିଥିଲେ ତାକୁ ଭାଡ଼ି ବା ଘୋଡ଼ାଇ ଭାଡ଼ି ବା ଘୋଡ଼ିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଟାଯାଇ ଅମଳ କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 5, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କପା ତୁଳାକୁ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କପା ତୁଳାରୁ ସୂତା କଟାଯାଏ, ସୂତାରୁ ଲୁଗା ତିଆରି କରାଯାଏ, କପା ସୂତା ପୂଜା ଦୀପ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, କପା ସୂତା ଓ ସୂତାରୁ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟବହାର ତୁମେ ଜାଣିଛ ନିଜେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଖ, କିରୋସିନ ଦୁଇଟି ପ୍ରକୃତି ଲେଖ। କିରୋସିନ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଦ୍ରବଣୀୟ ନୁହେଁ, କିରୋସିନ ଜଳଠାରୁ ହାଲୁକା ଅଟେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି କିମ୍ବା ଦେଇକରି, ନଳିତା ଗଛର ଗଛରୁ ଝୋଟ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତାହା ଲେଖ, ବା ଆଲୋକ ଗତିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବସ୍ତୁର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ, ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ତୁମେ ଲେଖିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ତୁମକୁ କହିଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦେଇଛି, ଦେଖି ଦେଖିବା। ନଳିତା ଗଛକୁ କାଟି ବିଡ଼ା ବନ୍ଧାଯାଏ, ସେହି ବିଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଡ଼ିଆ ପାଣିରେ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ପାଇଁ ବୁଡ଼ାଇ କ'ଣ କରାଯାଏ ପିଲେ, ସେଇଠି 15 ଦିନ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଏ। ନଳିତା ବିଡ଼ା ପଚିଗଲା ପରେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ଝୋଟ ତନ୍ତୁ ବାହାର କରାଯାଏ ଓ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ରଖାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କରାଯାଏ, ତାକୁ ବାହାରେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ରଖାଯାଏ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଉଦାହରଣ ସହ, ଦ୍ରବ ଦ୍ରାବକ ଦ୍ରବଣ ଓ ଦ୍ରବଣୀୟତା କ'ଣ ବୁଝାଅ, ବା ସଜୀବର ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। ତ ସଜୀବର ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ମାଟିରୁ ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ନେଇ ନିଜେ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ତ ପ୍ରାଣୀର ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀର ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ସେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେନ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।